शुक्रवार को रोमसन चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से जिला अस्पताल को लगभग 1500 एंटी रेबीज वैक्सीन देने का काम किया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित रहे जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने इस कार्य को लेकर संस्था की सराहना की। आपको बताते चले कि शासन की ओर से जिला अस्पताल को एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, इसलिए जिला अस्पताल की CMS लगातार समाज सेवी संस्थाओं से एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए निवेदन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सत्यमेव जयते संस्था की ओर से भी आगरा के जिला अस्पताल को लगभग एंटी रेबीज वैक्सीन की 2000 बॉइल दी जा चुकी है और सत्यमेव जयते संस्था प्रयासों से ही रोमसंस चैरिटेबल सोसाइटी ने इस बार जिला अस्पताल को 1500 एंटी रेबीज वैक्सीन की बॉइलें दी है। रोमसंस चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें जानकारी हुई कि जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लतें चल रही हैं। बंदरों और श्वानों के काटे जाने वाले मरीज जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें तो वैक्सीन नहीं लग पा रही है। ऐसे में श्वानों और बंदरों द्वारा काटे जाने वाले मरीजों में जहर फैल सकता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। AERB के अभाव में ऐसे किसी मरीज की मृत्यु ना हो सके, इसलिए जिला अस्पताल को एंटी रेबीज वैक्सीन सौंपी गई है। रोमसंस चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि जिला अस्पताल को इस तरह की मदद भविष्य में भी जारी रहेगी, किसी भी मरीज की इलाज या वैक्सीन के अभाव से मृत्यु ना हो, इसको लेकर संस्था हर संभव प्रयास करेगी। आज हम लोग 6000 डोज का 1500 वायल दी जा रही है। सर, क्या निवेदन आया था सर या आप खुद ही स्वयं? हम लोगों ने निवेदन नहीं किया किसी ने भी, हम लोगों ने खुद ही अखबार के माध्यम से पढ़ के ये पता किया कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम समाज की सहायता कर सकते हैं, कैसे वो पेशेंट जिनको अगर वैक्सीन नहीं मिली तो मृत्यु के मुँह में समाना निश्चित है, उसको बचाने के लिए हमने खुद ही में अपनी सोसाइटी की मीटिंग करके ये तय किया कि इनको सहायता अभी भी दें और आगे भी जब जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं इस एंटी रेबीज वैक्सीन के कार्यक्रम को रुकने ना दिया जाए। अभी जिला अस्पताल को 1500 एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई है, जरूरत पड़ने पर और भी एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाएंगी। देखिए, ये बात सही है कि थोड़ा सा सप्लाई में डिले हो रहा है और जितनी मात्रा में आगरा में अगर खासतौर से इस एंटी रेबीज वैक्सीन की जो उपयोग है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये देखा गया है करीब 50% केसेस मंकी बाइट के भी हैं जो यहाँ पे इनकी जरूरत की आवश्यकता को दोगुना कर देते हैं। इस आधार पे जो सप्लाई पे हमारी समाज सेवी संस्थाएँ आगे आई हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इनको बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसे मरीजों का जो खासतौर से चिकित्सालयों में वही मरीज आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर इन वैक्सीन को, और उनको ये वैक्सीन मिलती है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जहाँ तक कि इस संस्था द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यों में जहाँ पे भी मदद की आवश्यकता होती है और जब भी इन लोग से सहायता मांगी गई है, बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया है। DG Mahanada News के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।